रब्बा करे ऐसा कुछ होवे, तेरा दिल मैं बन जावा। हमने वो यंगस्टर्स को रख के ही गाना बनाया है, फ्रॉम रब्बा करे आई वांट देम टू नो। ये मैंने बनाया है उस जोन का, आज का गाना बनाया है। बहुत दिल की बात शेयर कर रहा हूँ, ये गाना रब्बा करे मेरे पास 10 महीने से पड़ा हुआ था। इस गाने में ना उर्वशी को हमने बिल्कुल चेंज किया हुआ। बिजनेस में करता हूँ, वहाँ पर क्या है कि वहाँ बहुत माइंड प्रोसेस है। सिंगिंग में क्या है कि एक ना एक जुनून की बात है कि आप दिल से आप जब गाते हो उस पे एक मोहब्बत है, मजा आता है। पहले एक गुरदास मान साहब बड़ी एक चीज बड़ी अच्छी बोला करते थे कि यार वो कंपनियों के रिकॉर्ड साइन नहीं करने, अपना म्यूजिक बनाना है। बिल्कुल सही बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है वो। तो खैर देखो, ही इज द मेंटोर ऑफ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। जो आज की जनरेशन है, अगर वो हीरे सुनती भी है ना, जो अभी मतलब मैं सुना मैंने बहुत लोगों से कि आज भी हीरे लोग सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको आर्टिस्ट का नाम ही नहीं पता, उनको वो साउंड पता है कि सोनिया हीरे, वो भूल आर्टिस्ट कौन था नहीं पता, उसकी रील्स बन रही है। सोनिए हीरे तेरे याद आंदिए, सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदिए, रब्बा करे ऐसा कुछ होवे, तेरा दिल मैं बन जावा। सिंगर्स का इंटरव्यू करने का एक फायदा ये होता है कि ओपनिंग नहीं सोचनी पड़ती। सही बात है। आप उनके ऊपर डाल देते हो कि हाँ, मतलब कि भाई शुरुआत करें गाने से, कि शुरुआत करें गाने से। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमने ध्यान किया सरस्वती माँ का, उससे और बड़ी बात क्या है, शुरुआत होती है उनके ध्यान से। तो सबसे पहले क्योंकि गाने का नाम ही है रब्बा करे, जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज के लिए कहा था रब्बा करे ऐसा हो जाए? देखो मैं तो ऑनेस्टली ऑब्वियसली मेरी बहुत प्यारी वाइफ है समीक्षा, वो खुद भी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो और मेरा छोटा सा बेटा है अधे, अभी 2 साल का होने वाला है। तो आई थिंक ये गाना एक्चुअली उनके लिए, उनके स्पेस का गाना है, क्योंकि ना इस गाने को मैं आई कैन रिलेट इट टू माई सन ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली टू हर, एंड आई थिंक देन टू द पीपल लिसनर्स, वो तो खैर है ही, बट आई थिंक दैट इज द USP ऑफ द सॉन्ग। अच्छा, यू आर फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, यू आर अ बिजनेस मैन, हाउ कम सिंगिंग? यार मैं ना एक चीज सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, बिजनेस फैमिली से हो या कहीं से भी हो, मैंने कभी चीज सोची नहीं। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनका एक पैशन है, जैसे बहुत लोग हैं जो हार्डकोर बिजनेसमैन है। अब मैं आपको रतन टाटा जी की बात बताता हूँ, इतने बड़े बिजनेसमैन, उनको फ्लाइंग का बहुत शौक था, ही यूज्ड टू फ्लाई जेट्स, एंड आई हैव सीन हिज पिक्चर्स। तो ये पैशन था उनका। तो आई थिंक एक आदमी का होना चाहिए कि उसको जहाँ सुकून मिले। मेरे लिए बिजनेस मैं करता हूँ, वहाँ पर क्या है कि वहाँ बहुत माइंड प्रोसेस है, मतलब बहुत सारा माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। सिंगिंग में क्या है कि एक ना एक जुनून की बात है कि आप दिल से आप जब गाते हो, उसमें एक मोहब्बत है, मज़ा आता है, एक यू फील गुड, तो यहाँ गुडनेस है, तो आई थिंक ऐसा नहीं है, मतलब आई हैव ऑलवेज केप्ट टू थिंग्स सेपरेटली। ये मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन है, एंड आई थिंक बट पैशन के अलावा, क्योंकि अगर मैं पैशनेट नहीं हूँगा ना, तो मैं गाने अच्छे नहीं बना पाऊँगा। बिल्कुल। अगर मैं ज़्यादा कमर्शियल हो गया ना, फिर उसमें ना वो कमर्शियल एस्पेक्ट आती है सिंगिंग में, एंड देन वो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। जो मैंने ये चीज़ देखी है, जो समझी है इतने सालों में, बीच में मैं थोड़ा कमर्शियल हो गया था, तो मेरे फिर गानों में असर पड़ना शुरू हो गया। फिर मैंने कहा नहीं यार शैल, नहीं भाई ये मत कर, तू ना अपने जोन में रह, ये मोहब्बत है, अपने दिल से गाओ, अपने पैशन से गाओ, एंड उसमें फ़र्क पड़ा है एक्चुअली। मुझे लगता है प्रिविलेज्ड हो, आपको शायद मार्केट के साथ जाने की या किसी कंपनी का, जो कहते हैं ना, पहले एक गुरदास मान साहब बड़ी एक चीज बड़ी अच्छी बोला करते थे कि यार वो कंपनियों के रिकॉर्ड साइन नहीं करने, अपना म्यूजिक बनाना है। बिल्कुल सही बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है वो। तो खैर देखो, ही इज द मेंटोर ऑफ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, बट आई थिंक आई रियली वॉन्ट टू से आई रियली अप्रिशिएट व्हाट ही सेड, क्योंकि अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है, जो एक सोशल मीडिया आ गया है, डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया है। अभी आपके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट टीवीज हैं, आप खुद अपने चैनल में जो सिंगर्स हैं या जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो खुद अपलोड कर सकते हैं अपना वीडियो घर में बना के, एंड क्या पता। और चलनी है साउंड लास्ट में, हम लोग ना पागलों की तरह वीडियो में इतना ध्यान देते रहते हैं, करना पड़ता है, लेकिन लास्ट में पहुंचेगी साउंड। राइट यार, हीरे अच्छा, वो लोगों को वो गाना याद है, लोगों को वीडियो याद भी नहीं होगा। और अभी तो ऐसी जो आज की जनरेशन है, अगर वो हीरे सुनती भी है ना, जो अभी मतलब मैं सुना मैंने बहुत लोगों से कि आज भी हीरे लोग सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको आर्टिस्ट का नाम ही नहीं पता, उनको वो साउंड पता है कि सोनिया हीरे, वो भूल आर्टिस्ट कौन था नहीं पता, उसकी रील्स बन रही है। मैं कहता कमाल होगी देखो, बट मुझे खुशी होती है कि यार एटलीस्ट वो गाना जो साउंड बनी थी वो तो लोगों को याद है ना।
दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. इसका नाम भी पता होना चाहिए. पता है हनी सिंह ने एक लंबोगनी गाना है, लंबोगनी चलाई जांदी है, सुना होगा आपने भी. वो उसका जो रीमेक हुआ है गाने आई थिंक ओरिजिनल जो है. अच्छा अच्छा. वो जिस आर्टिस्ट ने गाया उसे कोई जानता ही नहीं. शी कॉन्टेक्टेड मी कि हनी सिंह ने मुझे मेरा मेरे बारे में बात की थी. सो कैन वी हैव एन वी इंटरव्यूड हर. पीपल वर लाइक सो हैप्पी कि अच्छा ये बंदी है यार, इसको बड़ा अच्छा गाती है. और आई थिंक वो रिकॉग्निशन भी कहीं ना कहीं बिल्कुल होनी चाहिए. देखो मैं बात कर रहा हूँ कि उस टाइम तो थी, लेकिन अभी जो जनरेशन है ना, जो अभी ग्रो कर रही है, जो अपने टीन्स में है, उनको शायद नहीं मालूम कि हु वॉज शेन. क्योंकि आई बिलोंग टू दैट ओल्ड एरा. वेरी ऑनेस्ट यू, आई एम वेरी ऑनेस्ट यू. तो मे बी दे नो, मे बी दे नॉट, इट्स फाइन. बट फ्रॉम रब्बा करे, आई वॉन्ट देम टू नो. ये मैंने बनाया ये उस जोन का, आज का गाना बनाया ये. अपबीट है, रोमांटिक है, एक जोन है इस गाने का. आप जब सुनेंगे गाने को आपको मालूम चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ें सही हैं. और हमने वो यंगस्टर्स को रख के ही गाना बनाया है. क्योंकि आई कॉन्ट नाउ प्लान अ सॉन्ग विच इज उस स्टाइल का जो 20 साल पुराना है. वो भी मेरे गाने बहुत पड़े हैं और बहुत प्यारे गाने हैं, वो भी लोग लाइक कर सकते हैं. बट आई वॉन्ट टू स्टिक टू द मार्केट कि हाँ यार देखो, इफ आई हैव कम बैक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, पीपल शुड नो यार, अच्छा हाँ ओके, दिस वॉज द गाय, यू नो, ये नया गाना इनका, यार ये डिफरेंट गाना बन गया, ऐसा होना चाहिए. तो पैशन है आपका. बिल्कुल बिल्कुल जी. बचपन में वही वाले बच्चे थे आप कि बेटा गाना सुनाओ? वो पैशन बचपन से था या व्हेन यू डिस्कवर्ड? मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि बचपन से ही मुझे संगीत का बहुत शौक था. मैं गाता नहीं था, मैं सुनता था. मैं सुनता था नाजिया हसन, जोए बसन को, जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे सिंगर्स थे उस टाइम. एंड एक्चुअली दे वर द वंस हु गॉट पॉप, यू नो, आर हिंदी इंडियन पॉप जो होता है ना, इंडियन मतलब पाकिस्तानी पॉप, ग्लोबली इट वॉज अ स्मैशर. डिस्को दीवाने जाना बहुत सुनता था. मेरी सिस्टर और मैं तो ये उन्हीं के गाने सुनते रहते थे. उस टाइम कैसेट प्लेयर हुआ करते थे, ए बी साइड, आपको याद होगा, ए साइड में बी में रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग. छह गाने आते थे, घिस गई थी मेरी कैसेट डिस्को दीवाने की. वो एच एम वी सारे गामा में आई थी, मुझे याद है अभी भी. एंड ग्रामोफोन बना होता था उस टाइम वो कैसेट में, एल्बम कवर में. तो वो गाने मैं सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ. और एक दिल में एक वो ख्वाहिश थी हमेशा यार कि काश मैं जोए भाई की तरह गा पाऊँ. आई यूज टू इमिटेट हिम, हिज वॉइस. और मुझे फिर मिले मिस्टर बिड्डू. बिड्डू है जिन्होंने मेड इन इंडिया, अलीशा चिनाए, शान सागरिका को लॉन्च करने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट, दलेर पाजी ने, नहीं सॉरी, नॉट दलेर पाजी, ही हैज सुर निगम हैज वर्क विद हिम. तो जब मैं बिड्डू को मिला, मैंने उनको एक गाना सुनाया, जाना, जो जोएब का मेरा फेवरेट सॉन्ग था. उन्होंने सुना, कहते यार तेरी वॉइस में तो वो वैसी हल्की सी वैसी कशिश है जोएब वाली, यू नो, टेक्स्चर वही है. आई वॉन्ट टू, वी शुड डू एल्बम टुगेदर. उनका इतना बड़प्पन था बिकॉज बींग बिड्डू, एंड ही ऑफर्ड मी दैट बिकॉज यू नो ही हैड दैट थिंग ऑफ लुकिंग फॉर न्यू कमर्स. तो मैं घर गया, मैंने पापा को बोला. तो मैंने कहा पापा ऐसा है, देखो मैं मिला उनको. तो पापा कहते अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ट्रेनिंग कर ले, क्योंकि ना ज़रूरी है, क्योंकि देखो आज माइक्रोफोन में कभी आप गए नहीं, आपने गाना गाया नहीं. तो फिर मैंने रियाज वगैरह शुरू किया. मैंने गुरु जी मिले मुझे, मंजीत सिंह जी दिल्ली के ही, तो उनसे मैंने सेमिकल क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू की. दो ढाई साल अच्छी ट्रेनिंग की हमने. रोज़ सुबह आया करते थे मेरे फार्म में हम, मैं रियाज अपने वो खरज वगैरह, यू नो, हमने रागस गाई बहुत. तो काश मैं ये पहले कर सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, आवाज़ तो आपकी एक देन है भगवान की. अब किशोरदा भी कोई क्लासिकली ट्रेन नहीं थे कभी भी उन्होंने, लेकिन आवाज़ थी. जब वही आप लोगों को, अच्छे लोगों को मिलते हो. मैं बिड्डू को मिला, बिड्डू के साथ ही मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई. स्टूडियोज़ में जैम करते थे हम लोग, तो वहाँ से शुरुआत हुई. सो दैट वाज आई थिंक द टाइम व्हिच आई विल ऑलवेज चेरिश, यू नो. जोएब नाजिया हसन वर द इंस्पिरेशन. हीरिये तभी बनाया था? हीरिये मेरा काफ़ी लेट आया था. हीरिये मेरी जो शुरुआत हुई थी म्यूजिक में 2001 में, नहीं एक्चुअली 1999 में मेरा एल्बम आया था हेलो करके, वो आया था मैग्ना साउंड में. तो वो भी लोग काफ़ी जानते थे एल्बम के बारे में. बट अनफॉर्चुनेटली मैग्ना साउंड उस टाइम ना कंपनी बंद होने वाली थी, उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी लाइक यू नो फंड्स की. तो बट ठीक है, मेरे लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा, क्योंकि मैंने उसके बाद मेहनत बहुत की. मैंने कहा नहीं यार, गाना तो यू हैव टू वर्क मोर हार्ड. फिर मैं गया बिडू जी के पास. मैंने कहा बिडू जी अब एक गाना, एक एल्बम करनी है, आई एम वेल ट्रेंड. आप हेलो की आवाज़ सुनना और कहाँ है तू की आवाज़ सुनना, दो साल का जरिया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है आवाज़ में, क्योंकि आई हैव वर्क हार्ड. मेरे वॉइस में कशिश आनी शुरू हो गई फिर, जो चाहता था मैं.
सारे संसार में तन्हा हूँ प्यार में, कहाँ है तू। तो वाइब्रेटो भी आना शुरू हो गया, पहले नहीं था, यू नो वो शुरुआत की थी ना मैंने, राइट राइट। तो वो धीरे धीरे मैंने अपने आप को बहुत वो किया, रियाज किया, मेहनत की, तो करना पड़ता है। बिड्डू वॉज सो इम्प्रेस, कहते दिस इज यू, दैट सेम शेल आई मेट 2 years back, वाओ। देन ही गेव मी सम सॉन्ग्स जो गायक के गाने थे, जिसमें गायकी थी, तेरा चेहरा, चेहरा गाना था, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, गायकी थी, मजा आ रहा था गा के। सो दैट वॉज द इंस्पिरेशन एक्चुअली। तो इसमें कमिंग बैक टू रब्बा करे, उर्वशी कैसे ज्वाइन हुई आपके साथ? आई थिंक उर्वशी, हमारा एक्चुअली प्लान था, आपको पता आजकल ना ये जो ये इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, ये चलता है आजकल इन्फ्लुएंसर से, ये चलता है इनकी मार्केटिंग है सारा, कि भाई उसकी मार्केट कितनी अच्छी है, फॉलोइंग कितनी अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ अभी भी, अब हो गया हूँ थोड़ा बहुत, होना पड़ेगा, उस टाइम नहीं था, चाहे वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स थे मेरे, अच्छे फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन फिर हमने जैम किया, हमने कहा यार इस वीडियो में किसको ले, नए कमर को नहीं लेना, हमारा सबने टीम ने बोला कि नो, नॉट अ न्यू कमर, थोड़ा अच्छा नाम होना चाहिए। वहाँ पर फिर उर्वशी रोटेला का नाम आया, फिर और भी बहुत नाम आए, 2-3 नाम आए थे, और इस गाने में ना उर्वशी को हमने बिल्कुल चेंज किया हुआ है, वो शॉर्ट ड्रेसेस कुछ भी नहीं, शी इज़ वेरिंग नाइस गुड डिसेंट क्लोज, बट शी इज़ अ डिफरेंट उर्वशी, स्माइलिंग फेस, यू नो क्लोज अप्स, गाने की वो फील है ना, वो चाहिए था, तो दैट इज द लुक ऑफ उर्वशी। और रोल बहुत डिफरेंट रोल है उसका इसमें, यू नो लाइक आप देखेंगे तो आप बताएंगे कि मतलब यू नो कैसा क्या है, बट आई थिंक पीपल विल लाइक इट। कैसा रहा एक्सपीरियंस, इज इजी टू वर्क विद या थोड़ा है? नहीं नहीं नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि देखो हमने भी यहाँ पर काफ़ी अपने हाथ पैर, यू नो इंडस्ट्री का पता है कि यहाँ पर कैसे यू नो काम करते हैं, क्या काम होता है, बिकॉज आई हैव आल्सो वर्क विद अ लॉट ऑफ गुड पीपल आई थिंक, बट ओवरऑल शी आल्सो हैड अ रिस्पेक्ट फॉर मी, शी न्यू अबाउट मी ऑब्वियसली, एंड उन्होंने बताया मुझे कि मेरी मदर जो है, जब मैंने बताया कि मैं शूट कर रही हूँ आपके साथ, आपके हीरे सॉन्ग की बहुत बड़ी फ़ैन है, उन्होंने स्पेशली मुझे बोला आपको बोलने के लिए कि वो गाना बेटे उनके साथ कर रहे हो ना, सब ठीक होगा। आई थिंक दैट वॉज अ वेरी गुड जेस्चर, एंड तो एक कम्फर्ट लेवल आ गया था, एंड वी शॉट, वाइफ ने डायरेक्शन की, मेरी वाइफ थी, उन्होंने ही, उनकी विजन बहुत अच्छी है स्टोरी टेलिंग, तो उन्होंने पूरा वीडियो को सजाया, उसको डायरेक्ट किया, डायरेक्टर जो है फिरोज खान है हमारे, बट शी इज़ द क्यूरेटर, मतलब जो स्टाइलिंग करना, कॉन्सेप्ट प्लान करना, वो मेरी वाइफ का ही पूरा हाथ है इसमें। अच्छा एक चीज़ और, बिजनेस और पैशन को बैलेंस कैसे करते हैं सब? ये आपका थॉट प्रोसेस है, मैं जहाँ सोचता ही नहीं हूँ, मुझे फ़ोन आता है कि सर हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लो, लेकिन अभी 1 घंटे तक मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ म्यूज़िक जोन में, उनको पता है कि शहर सर का कौन सा जोन है, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते। मैं कहता हूँ इमरजेंसी होगा ना, आप मेरे पीए को बता दो, है ना, मुझे मैसेज कर देना, लेकिन हाइपर नहीं होना। तो वो मैंने जो हाइपर एक्टिव माइंड्स जो है ना, उनसे मैं दूर रहता हूँ, कि यार इजी, लेट्स बी, हर चीज़ इजी, आराम से करेंगे, दैट इज़ हाउ आई एम बैलेंस्ड। या उनको शांत कर दिया आपने, उनका जो हाइपर की भाई खुद डिसीजन, खुद डिसीजन लो, इट मींस यू ट्रस्ट योर टीम। टीम है, टीम है, देखो एवरी डे देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं ये आपको ये सच्ची बताता हूँ कि हर दिन हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ होता है, बिल्कुल ठीक है ना जी, कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, एंड तो हम लोग आई थिंक वो उसको मतलब संभालने के लिए हमको अपने थॉट प्रोसेस को बहुत कूल रखना पड़ता है, बस ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सबको, आई थिंक यू हैव टू गो वेरी इजी, गो विद द फ्लो, कोई टेंशन मत करो, और हर चीज़ बैलेंस हो जाती है फिर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप एमएमए फाइट कर रहे हो, यू नो आप रेसलिंग कर रहे हो, और आप गाना गा रहे हो, सब चीज़ हो जाता है मैनेज। अच्छा एज एन आर्टिस्ट अब मैं पूछूं जी, बिजनेसमैन को एक साइड पर रख देते हैं, जो पैशन आपका सालों पहले था, भी लगता है कि उसको कितने परसेंट फॉलो कर लिया है, या कितना कर लिया, कितना बाकी है एज एन आर्टिस्ट? बहुत बाकी है, मैं बीच में मैं बहुत दिल की बात शेयर कर रहा हूँ, ये गाना रब्बा करे मेरे पास 10 महीने से पड़ा हुआ था,
और मेरे पास 5-6 गाने और हैं, बहुत अच्छे गाने, बट मेरा ना बीच में म्यूजिक से ना मेरा वो हो गया था यार कि यार छोड़ो क्या करना है, पता नहीं क्या होगा, मैं अकेले ही करता रहूँगा यार, खुद मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, यू नो मैं कैसे मार्केटिंग करूँगा, मैं किसको मिलूंगा, क्योंकि आई हैड नो बडी ऑनेस्टली, यू नो। एंड फिर मैंने ना पता नहीं, फिर मुझे बहुत अच्छे एक इंसान मिले जिनका नाम है पारुल, मैं उनका नाम भी बोल रहा हूँ आपको, एंड उन्होंने मुझे, एंड आई नो हर सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स, लाइक मोर देन 2 decades, तो शी गेव मी दैट इंस्पिरेशन कि नो, कीप योर पैशन अलाइव, आई एम देयर फॉर यू, आई विल डू एवरीथिंग, आप बस गाना गाओ, अपना ध्यान वहाँ रखो, बाकी मैं संभालूंगी। तो ये एक आदमी मिल जाए ना इंसान आपको, तो एक आर्टिस्ट के लिए ना दरवाजे खुल जाते हैं, फिर एक इंस्पिरेशन मिल गई है, अब मैं और गाने बना रहा हूँ, अच्छे अच्छे गाने बनाऊंगा मैं, मेरा मेरा मुझे बहुत ध्यान रखना है, ध्यान में आई एम अ बिजनेसमैन ऑल्सो, वो ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान अपने उसमें रखना है कि जहाँ मैं, अगर मैं यहाँ फोकस नहीं कर पाऊंगा ना, मैं वहाँ लाना शुरू कर दिया यार, अच्छा मैंने कल ओहो मुझे ये करना था गाने के साथ, नहीं वो उनका उनका काम है, राइट, हर आई थिंक दैट्स अ डिपार्टमेंट वी हैव टू सेग्रीगेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। सो आई थिंक दैट रियली इंस्पायर्ड मी, एंड ऑब्वियसली मेरे बेटे ने भी बहुत इंस्पायर किया मुझे, अदु, आई थिंक जब से हुआ है अदे, आई फील दैट ही इज द वन हु हैज मेड मी कम बैक टू माई म्यूजिक यार, ही लव्स इट, मतलब हम उस दिन वो रफ एडिट आया मेरे पास, गाना ऑन हुआ, पापा सॉन्ग ऐसे बोलता है, अभी छोटा सा ना सेंटेंसेस बोल लेता है, लेकिन तो ही यू नो ही वॉज लविंग इट, वंस मोर नहीं बोल सकता, वा मो मतलब यू नो मोर ही टॉकिंग, बट समझ गया कि वंस मोर बोल रहा है कि प्ले अगेन, तो ही वॉज लविंग इट, वाओ दैट इज द इंस्पिरेशन, फीलिंग अलग होती है वो जो आपको फिर मोटिवेशन मिलता है, नो वन कैन मैच दैट, दैट इज द इंस्पिरेशन आई थिंक, एंड आई फील उसकी वजह से मैं दुबई भी शिफ्ट हो गया, बट आई एम रियली हैप्पी इन दुबई, एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, एंड आई थिंक वहाँ के मुझे लगता है कि मेरे बहुत दरवाजे अभी खुल रहे हैं, मेरे मैं पारुल को बोल भी रहा था कि पता नहीं यार यू नो कम बैक तो है, मतलब लोग पता नहीं पहचानते कि नहीं पहचानते, यू नो इतना कंटेंट मार्केट में है, बट शी इज लाइक नहीं हमारा अच्छा कंटेंट है, यू नो हम पहुंचाएंगे अपने साउंड को, बस साउंड पहुंचना चाहिए, हमारा काम है हम साउंड पहुंचा दें, बाकी ना जो लिसनर्स जो है ना आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, यू नो कि भाई हाँ उनको ये फोर्स कर सकते हैं कि थ्रू मार्केटिंग यार ये गाना आ रहा है, ये गाना आया है एक बार सुन लो, वो बाकी अच्छा लगेगा तो भाई आप शेयर करो, वो बताना बहुत जरूरी, तो मुझे एक अच्छी फीलिंग है, एक अच्छी वाइब है मेरे अंदर इस गाने को लेके कि मतलब कहीं ना कहीं लोगों के दिल में छुएगा गाना, मैं गाने की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि ये गाना चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन छुएगा, लव्स बहुत प्यारे हैं इसमें ना, एक हीरे का फील है इस गाने में, नॉस्टैल्जिक मोमेंट है इस गाने में, जब आप गाने को सुनेंगे ना पूरे गाने को, आपको पक्का कनेक्ट करेगा सोनी हीरे से, क्योंकि टीम वही है ना, गॉट वही कंपोजर्स हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा विदुदा गाना बनाते हैं करते हैं समथिंग, मैं जब सिंगापुर में था तो कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरे पास साउंड है, मैं फिर इंडिया आया बॉम्बे, हम घर में बैठे हमने घर में जैम किया, वहाँ से इसकी यू नो जर्नी शुरू हुई, मैंने गाना रिकॉर्ड किया, गाने को रख दिया, यशराज में मिक्स हुआ, विजय जी ने मिक्स किया, बहुत अच्छा मिक्स किया, एंड कहते अच्छा लगा आपको, मैंने कहा बहुत अच्छा है जी, कहते फिर क्या प्लानिंग है, मैंने कहा नहीं शूट कर रहे हैं इसका वीडियो, फिर मैं चुप ही हो गया, आई वेंट इन माय शेल, मैंने छोड़ो यार नहीं कर सकता, डर लग रहा था मुझे कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आई वॉज ओनली स्केर्ड फॉर वन मोमेंट कि मैं इसकी मार्केटिंग कैसे करूँगा, कौन करेगा मेरे लिए, कौन आएगा मेरे लिए, यार मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा, यू नो यूट्यूब में डालने से गाना चलता नहीं है, प्लेटफॉर्म में डालने से गाना चलता नहीं है, आपको गाने को पहुँचाना पड़ेगा, आजकल ज़माना चेंज हो गया है, उस टाइम भी यही था, आप MTV में आता था हमारा, यू नो लाइक म्यूजिक चैनल्स में गाना आया करता था, उस टाइम भी उसकी मार्केटिंग करती थी, प्रोमोस चलते थे, यू नो पारुल जी ने किया मेरे लिए, शी इज़ डन ऑल दिस वर्क फॉर मी दैट टाइम, यू नो सो शी अंडरस्टैंड्स दैट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इवन देन इवन नाउ, टाइम चेंज हो गया लेकिन फॉर्मेट वही है, एग्जैक्टली यू नो फॉर्मेट वही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि अभी बहुत ज्यादा करना पड़ता है थोड़ा, बिकॉज अभी बहुत कंटेंट है, बहुत सारा, राइट, इतना हर हफ्ते फिल्में, हर हफ्ते वेब सीरीज, हर हफ्ते गाने, उस कंटेंट में वही अब पारुल की वही अब चैलेंज है, उस कंटेंट में इस कंटेंट को खड़ा करना,
So that is what we are trying, and I hope we can achieve that. Cool, and you've got the best of team. मुझे पारुल especially दिल्ली से बुलाया. नहीं, we should do an interview. And आपकी जो सोच है ना गाने के पीछे कि sound पहुंचनी चाहिए. You are not thinking like a businessman कि मेरे गाने के इतने views आ जाएंगे मैं इतने पैसे कमा लूँगा. बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, आप उसकी success जहाँ सोच रहे हैं. I think नियत बहुत बस passion वाली है और बहुत साफ है. तो मुझे लगता है कि रब्बा करेगा. I hope जी आपकी दुआ और गाना जो है वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं. I hope बस I just want it should reach to people's heart. Yes. And they should love the song. It will. गाना चले ना चले. मैं आपको हीरे का बताता हूँ इंसिडेंट. सोनी हीरे मेरा आया था 2006 में एंड मैं पोर्ट बेर में शूटिंग कर रहा था अपने गाने की उम्र भर की. जो गाना बहुत अच्छा चला था वो नेपाल में गाना बहुत हिट हुआ था. तो मुझे जो हमारे शिवाजी गुप्ता हैं उनका मुझे मैसेज आया. उन्होंने मुझे बोला कि शहल कहाँ हो. मैंने कहा मैं सर पोर्ट ब्लेयर में शूटिंग कर रहा हूँ. कहते जल्दी आ जाओ. मैंने कहा कहाँ. बॉम्बे आओ फटाफट ऑफिस है मेरे. मैंने कहा हाउ कैन आई कम सर, मैं तो अभी शूटिंग कर रहा हूँ. अभी कहते तहलका मच चुका है यहाँ पर, तबाही मच चुकी है, डिस्ट्रीब्यूटर तबाही मचा दी हमारे ऑफिस में. मैंने कहा सर क्या हो गया. हीरे तेरा गाना. और आपको पता है वो गाना कब चला था. आफ्टर 1 month आई गॉट द रिस्पॉन्स. आफ्टर 20 days ऑफ मैंने टस्ट पीपल्स हार्ट, पीपल स्टार्टेड क्राइम. उस टाइम तो कोई था ही नहीं, यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था. उनके वहाँ पर लोग लेटर्स भेज रहे थे आर्टिस्ट, वो जो उनके वेबसाइट्स थी उसके वो उसमें आया करता था लेटर्स की प्लीज़ फॉरवर्ड. तो दैट वॉज दी ऑरा यार, दैट वॉज. एंड आई टोल्ड हिम कि सर जो पैसा दे रहे हो ना मुझे आप पैसा वापस लीजिए. आई टोल्ड हिम दैट आप पैसा वापस लीजिए, उससे आप और प्रमोशन करिए हीरे की, मैं आपको एक और गाना बना के दे रहा हूँ. फिर उम्र भर वो जब हीरे चला ना, उम्र भर वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा चल गया. क्योंकि वो गाना भी अलग एक लव सॉन्ग था, बहुत प्यारा गाना था वो भी. है सनम उम्र भर साथ साथ हम रहे, ये जोन था उस गाने का. दैट वाज अ फील ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेलोडियस. सो आई बिलीव इन मेलोडीज यार. बिल्कुल. और मैं वही कह रहा हूँ ना कि नियत अगर अच्छी होती है तो भगवान भी सुनता है. बस आई होप. और जाते जाते हीरे अगर थोड़ा सा हो जाए तो मजा आ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. किन्ना तेनू चावा है ना समझी तू, तेरे नाम कितनी जिंदगी, जदो तू मिलेगी तेनू दसांगे, तेरे नाल मेरी हर खुशी, तू ही जिंद मेरी है दिल दा करार नी, तू आ जा तेनू रब दा वास्ता, तू आ जा तेनू रब दा वास्ता, उड़कदा मैं तेरा रास्ता, सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी, सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदी. थैंक यू सो मच शैल. जब अपनी शैल से बाहर आए हैं तो आई होप अच्छा जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.